नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नशे में धुत एक्ट्रेस की दादागिरी, गाड़ियों को मारी टक्कर, पुलिस को भी जड़ दिया थप्पड़। टीवी एक्ट्रेस रूही सिंह ने बीती रात बांद्रा में एक रेस्टोरेंट के बाहर जमकर हंगामा किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल रूही ने अपने दो दोस्तों के साथ रात के 2 बजे बांद्रा के एक रेस्टोरेंट पहुंची। रात होने के कारण रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, लेकिन रूही ने वहां मौजूद स्टाफ से रेस्टोरेंट खोलने को बोला, लेकिन स्टाफ ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया तो उन्होंने स्टाफ के साथ मारपीट की, जिसके तुरंत बाद स्टाफ ने फोन कर पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर रेस्टोरेंट पहुंच गई और रूही को समझाने की कोशिश की, लेकिन रूही ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की। कांस्टेबल इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। रूही ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर उसे थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, रूही के दोस्तों ने भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। सर, मैं वॉशरूम जा रही थी, मुझे कितना खर्चा है गाड़ी लेकर, ना बोलो ना मेरे को, बोलो हां सर, ओके कर सकते हैं, तो उल्टा हुआ ना। अरे प्रेसिडेंट मैडम को मार जाए, ये ले तेज तेज कर दिया, इसलिए मारा अपना मोबाइल, तू भी मारी, चल 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 छोड़ने यार। ओ मैडम, मेरे पास है। इसके साथ ही रूही ने रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी टक्कर मारी, जिसमें 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं रूही सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस पुलिस ऑफिसर के बैच को अपने हाथ में लेकर कह रही है कि बनाओ वीडियो, मेरे हाथ में बैच है। पूरी घटना के बाद एक्ट्रेस और उसके दोनों दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।